चौथा अध्याय इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यान। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथ में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण करती हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन और कंधे झुकाकर उस भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनिया उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें, जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों के श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, आप उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंतन्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्ता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ पाते हैं, वह स्वयं आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंतन्य महाव्रत स्वरूपा हैं, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते रहते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार आप ही हैं। आप देवी, त्रयी और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैठप के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उन पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है।
क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभुद्य होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हो, यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित होते हैं, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता और वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के कारण धन्य माने जाते हैं। देवी, आप ही की कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक तथा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करते हैं और आपके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं, इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों को भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दारिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले और ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होने पर स्वर्ग लोक में जाएं, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी एक रहस्य है, ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इसी प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से और आपके त्रिशूल के अग्रभाग की धनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं रही हैं, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे वर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो इन दैत्यों को भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती और शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोक में केवल आप में ही देखी गई हैं। मात, आपके शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है, इन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा उन मद दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें और घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपने जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो जो भी अस्त्र हों, सबके द्वारा आप हमारी सब ओर से रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन में दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो।
देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्नमुखी अम्बिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई वह सब कथा मैंने तुम्हें कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थीं वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो देवी मैया की जय। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।